अस्सलामुअलैकुम सना, कैसी हो? बस आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों? अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारा मूड खराब हो गया? बस मत पूछो। तुम उदास मत हो सना, मैं तुम्हें जोक सुनाता हूँ। तो सुनो, बाप बेटे से कह रहा था कि बेटा तू एक शेर की औलाद है और वो शेर में हूँ। बेटा, बाप अब्बा जब भी तो टीचर स्कूल में कहती है कि तू किस जानवर का बेटा है। मेरा कोई मूड नहीं है लतीफे सुनने का। अच्छा, तो दूसरा सुनो। तो सुनो, एक दिन शोहर बीवी से तंग आकर बीवी को बोला कि मुझे तुमसे शादी करके सिर्फ एक ही फायदा मिला है। बीवी, वो कौन सा? शोहर, मुझे अपने गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। अच्छा, पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। डॉक्टर ने बोला, अगर मेरी दवाई से तुम ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? तो मरीज ने कहा कि डॉक्टर, मैं गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपके लिए फ्री में खोद दूंगा। अब चुप करो, चुप हो जाओ। अच्छा, तो चलो एक और सुनो। एक बाप अपने बेटे से बोला, बेटा उठो, मेरे लिए एक गिलास पानी भर के आओ। बेटा, बाप अब्बा मैं गेम खेल रहा हूँ, आप खुद जाके पानी पी लें। उतने में दूसरे भाई ने बोला, अब्बू ये तो है ही बदमाश, आप खुद जाकर पी लें। चुप हो जाओ। अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। अच्छा, लास्ट सुनो बस। एक लड़की ने अपने पठान फ्रेंड से बोला कि तुम मेरे अम्मी को बहुत पसंद आए हो। पठान शर्मा के बोला, कुछ भी हो जाए, खाना को कहो हमें भूल जाए, हम शादी तुमसे ही मनाएगा। अब एक और बीरिया लफ्ज निकाला तो जान से मार डालूंगी। इतनी बार कहा है चुप हो जाओ, लेकिन तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। सॉरी बाबा, तुम्हारे जोक बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, तो एक और सुनाऊं।